सिंघू बॉर्डर पर आज किसानों ने दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और स्थिति को काबू में किया। राजस्थान के शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर के पास किसानों ने जाम लगाया, इसकी वजह से दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे जाम हो गया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में जामिया के कुछ छात्र शामिल होने पहुंचे थे। किसान प्रदर्शनकारियों ने तुरंत इन लोगों का विरोध किया, जिसके बाद सभी जामिया के छात्र वहां से चले गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर पंजाब के पार्टी सांसदों के दिल्ली में जंतर मंतर पर आयोजित धरने में पहुंचे। थरूर ने कहा कि मेरे दोस्त यहां केंद्र से किसानों की यूनियनों के साथ मामला निपटाने के लिए और शीतकालीन सत्र भी आयोजित करने के लिए कह रहे हैं, जो कि नवंबर के तीसरे हफ्ते तक आरंभ हो जाना चाहिए था। आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 2500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। आपकी विधायक अतिशी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए उपराज्यपाल के आवास के बाहर पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास पर धरना देने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने रविवार सुबह आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को हिरासत में ले लिया। अब सांसद भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर लगाया आरोप कि एक तरफ किसानों का हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ अडानी के साथ बिजली के समझौते कर रहे हो। हैदराबाद में रविवार को तड़के एक कार और ट्रक की टक्कर में कार सवार 5 युवकों में से 4 की मौके पर मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक तेज रफ्तार के चलते ये सड़क हादसा हुआ। संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले में शहीद हुए लोगों के बलिदान और वीरता को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने कहा, कायरतापूर्ण हमले को हम कभी नहीं भूलेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक ही मंडप में बेटी के साथ मां ने भी सात फेरे लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत की।